आज मैंने कभी नहीं इस तरह की फाइनेंशियल गवाहियां दे के लोगों को मोटिवेट किया या इमोशनल किया, लेकिन एक रिसेंटली तजर्बा मुझे हुआ। तजर्बा कोई ये चंद माह बैक का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद देखता है हमारी सैक्रिफिशियल गिविंग को। मेरी दो बेटियां बीकन हाउस में पढ़ती हैं और 30,000 रुपया उनकी फीस महीने की। अब दो महीने की फीसें हो चुकी थी। स्कूल वालों ने सख्ती की, मुझे बुलाया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक की फीस भी दे सकूं। ये चंद महीनों की बात। पैसे में लेके गया, मैंने उसे उन्हें कहा बैठ के ऑफिस में, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं कह जी वो किस्तां कर दो। होटा मैंने क्या, नो नो आपको पता नहीं बीकन हाउस सिस्टम है, आप गाड़ी पे आए हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे कभी नहीं किसी ने किया। मेरी बेटी बाहर जब मैं निकला, उसने कहा पापा फीस होगी जमा। मैं कहा हो जाएगी, उसको नहीं मैंने बताया, लेकिन मैंने बताया शाम को, मैंने कहा पैसे नहीं थे। पादरी सफीर साहब, इनका उधर वो प्रोग्राम हो रहा था, मैं उधर चला गया। तो वो हाँ वो कह रहे थे जी इस पर इतना खर्चा आया, बीज बोए ये वो। अब मैंने कहा खुदावंद ना तो मेरी एक बेटी दी भी है फीस नहीं, किस्तां उन्हें कीतियां नहीं कि मैं किस्त दे आंदा। पहली मैंने जो कुछ भी था, मैंने कहा मैं ईमान से ये बीज बो रहा हूं, आई डोंट नो कि ये क्या होना है। मैं रियली, मैं आपको सच्ची बात, ये हमारे ऊपर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस प्रेशर आते हैं और आते रहते हैं, बड़ी गुर्बत आ जाती, बाज़ुकात आती हैं चीजें, लेकिन वो हमारे ईमान का टेस्ट होता है। मैंने तुझे अस्तिस्ना की किताब में क्या लिखा है कि मैंने तुझे बियाबान में भूखा होने दिया। कई दफा खुदावंद हमें सिखाने के लिए, हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए, और बाज़ुकात तो वो दिखाने के लिए कि प्रोवाइडर मैं ही हूं, कोई और बंदा नहीं है। अच्छा मैं घर आ गया तो मेरी बीवी भी पूछ रही थी, मैं क्या बस आई वॉन्ट टू स्लीप। मुझे फिर एक कॉल आई, रियली एक कॉल आई रात को। उन्होंने कहा कि हम दुआ कर रहे थे पादरी साहब, आप हमने फील किया है, एक प्रेयर टीम है जो मेरे लिए दुआ करती है, इंटरनेशनल है, वो आपकी कोई खास जरूरत है और आप परेशान हैं। मैंने कहा मैं हूं, लेकिन वो कह रहे प्लीज डोंट वरी, आप हमें बताएं। मैंने बताया, मैंने कहा बच्चों की फीसों, कहते आपके लिए किसी ने हमें इतने पैसे दिए हैं तो हमें हम सोच रहे थे कोई जरूरत, तो हमने दुआ में ये फील किया है। तो मैंने कहा उन्होंने किस्तें नहीं की स्कूल में। उन्होंने कहा मुझे पता क्या कहा, जाके उन्होंने कहो पूरे साल दे चलान फॉर्म फिल कर दो, ते मैं पूरे साल दे। अच्छा मैं दूसरे दिन फिर चला गया, उन्होंने कहा भी ये फिर किस्तां कराने आ गए ने। अच्छा मैं क्या जी वो दो महीने की तो है ना चलान फार्म जी। मैं कहा जी दिसंबर तक जिन्हें महीने मैं सारे पे करना चाहना। अच्छा वो कहन जी इंज भी कभी नहीं होया कि किसी ने एडवांस ही कर देती होवे, पहले किस्ते नहीं थी। मैंने कहा नहीं मैं सारी करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं गॉड दैट डे खुदा ने मुझे ये टीच किया कि तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला मैं हूं, प्रोवाइडर मैं हूं, यहोवा यरी मैं हूं। हां बाज़ुकात वो सिर्फ हमारे ईमान और ट्रस्ट का जो है वो एग्जाम लेता है, और इसके लिए आपने घबराना नहीं है। लेकिन एक और बात याद रखनी है, ये आगे लिखी हुई है, जरा 12वीं आयत देखें। क्योंकि अगर नियत हो तो खैरात उसके मुआफिक कबूल होगी। यहां पता क्या, विलिंगनेस, इफ यू आर रियली विलिंग एंड हैप्पी तब आपकी गिविंग पलूस करा कबूल होगी, मकबूल होगी। जो आदमी के पास है ना के उसके माफिक जो उसके पास नहीं। आप यह भी याद रखें, बाज़ुकात मैंने लोगों को देखा है कि वो इतने इमोशनली विलिंग हो जाते हैं, आपने वही देना है जो आपके पास।
जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो नहीं देना। मैंने लोगों को परेशान देखा, हमारे आते हैं जी कर्जे उठा के हदीये दे दिए, क्रेडिट कार्ड से हदीये दे दिए, क्योंकि प्रीचर ने कहा ईमान नाल बो दो जो कुछ हैगा जे ईमान नाल दे दो। ते बाद चो नो, यहां कलाम मना कर रहा है। आप देखें कलाम कहता है जो आपके पास है, ना के उसके माफिक जो आपके पास नहीं। आगे क्या, ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुम तकलीफ उठाओ, कि वो जिन्हों तु ईमान ना दे देता एंजॉय करे ते तु ही फाइनेंशियल क्राइसिस च रहो। नो 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 नो, कलाम की ये तालीम नहीं है। अगर आपके पास है आप दें। दो कुर्ते हैं, एक मसीह ने कहा दे दो। अब मैं पीछे जो एक रेड पाया सी वो कमीज पहली दफा मुझे किसी ने दिया, तो एक भाई कहता जो हो भाई साहब है मैनू दे दो। मैं कहनी कलाम चले अगर दो ने ना मेरे को एक ही है तो आपने देने के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी। पहली फंड रेजिंग कंपेन बाइबल में पता कहां हुई है? खरूज की किताब के 35वें बाब में, फर्स्ट फंड रेजिंग कंपेन, और उस वक्त टैबरनेकल खैमा इज्तमा बन रहा था। वहां पर खुदा ने खुद कहा कि मूसा, ये 25वें बाब की 31वीं आयत तक तो पूरा नक्शा है टैबरनेकल का, खुदा ने उसको बताया। उसके बाद 35वीं और 36वें बाब में फंड रेजिंग, आप प्रिंसिपल्स वहां पर पढ़ें, वहां पर भी यही है। खुदा ने कहा तूने सोना चांदी पीतल कपड़े लकड़ी मेंढों की खालें, ये चीजें लिस्ट बना इसकी चाहिए और चर्च को इकट्ठा कर, ये चीजें उनके पास हैं और उनको कहो कि वो दें। लेकिन खुदा ने मूसा को कहा तूने मजबूर किसी को नहीं करना जो खुशी के साथ दे, तूने उनको बताना ये खुदावंद का हुक्म है। मूसा ने उनको इकट्ठा किया और उसने कहा जिस खरूज 35:5 में जिस किसी के दिल में खुशी हो देने के लिए, सेम वही प्रिंसिपल्स, खुशी चाहे वो खुदावंद का हदिया। और जब मूसा ने ऐलान कर दिया उसने लोगों को जाने दिया घरों में, उन्होंने कहा नहीं इतने काट के जाओ जो कुछ है जे, लोग गए हैं घरों में। और कलाम कहता है जिस जिस के दिल में रगबत हुई, तहरीक उठी, पाकरू की तरफ से मोटिवेशन हुई, खुदा का फजल आ गया उनके दिलों पर देने के लिए, और कलाम कहता है कि उन्होंने अपना हिस्सा दिया। कई कारीगर थे वो जाके काम में लग गए कि भी हम दर्जी हैं, हम टेलर हैं, हमें बताएं चर्च की क्या जरूरत है, हम इस तरह अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और टैबरनेकल बन गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, देना एक खिदमत है, और दूसरी बात देने में हमारा एटीट्यूड, ये सबसे बड़ी बड़ी बात है। आखिरी बात, सिर्फ दो मिनट, देने का अजर है। हम क्या पढ़ते हैं क्रंथियों के खत में ही, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। अरे अजर खुदावन देता है, याद रखिए। हम बाज़ुकात इससे भी आपने गुरेज करना, बिजनेस स्पिरिट में नहीं देना आपने, लो इन्ने दोगे तो इन्ना तुहानू मिलेगा, ये बारगेनिंग है, ये बिजनेस है। नो, ऐसे नहीं देना आपने, आपने ऑनर में देना है, प्रिविलेज समझ कर देना है, खिदमत समझ कर देना है, और वेट करना है कि खुदावंद इसका अजर आपको देगा। और वो खुदावंद जो पानी के एक प्याले का अजर देता वो भी अपना अजर ना खोएगा, बल्कि यहां तक लिखा है कि खुदावंद तुम पर, ये 8वीं आयत में, कसरत से फजल कर सकता है कि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। बल्कि आगे लिखा है खुदावंद आपकी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है गिविंग का। तो आओ, पहली बात, जब भी आपने देना है आपने ये बिल्कुल
जॉयफुली देना है, ये सोच कर नहीं देना पादरी इरफान को दे रहे हैं, पादरी सफीर को दे रहे हैं, पादरी मॉरिस को दे रहे हैं, हम ये सोच कर दे रहे हैं हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और वहां देना है आपने। बाजुकात पता क्या होता है, ये भी मैंने देखा है। एक दफा मैं एक वैन में सफर कर रहा था तो एक शख्स बीमार और वो तरले कर रहा था, तो मेरे पास थोड़े पैसे थे, वो फुटपाथ पे बैठा हुआ था, वैन थोड़ी सी है। मैंने कंडक्टर को कहा, मैंने कहा यार वो उस शख्स को दे देना। वैन थोड़ी जी अगे हिली तो इधर मस्जिद का गला पिया ही था, उन्हें दवा दवा पा दीते। मैं कह यार मैंने आपको कहा था उस शख्स को देना, कहते एक गल एक गल एक गल। मैं उत्थे पता नहीं कितने जाने ने ते कितनी देर पे रहने ने, बट जरूरत यह है आपने ये भी देखना है कॉज क्या है, जरूरत क्या है, कहां मुझे देने हैं, कैसे मुझे देने हैं, कितने मुझे देने हैं, यह भी जरूरी है, इसको समझना है। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को चुकाएं और आज गिविंग की स्पिरिट को समझें, गिविंग के एटीट्यूड को समझें। हालेलुया।